welcome back to the channel, and if you are new to the channel, I am Caffeine, a second year MBBS student at IGMC Shimla. Good morning everyone, this is Doctor Dark. So this is a very different kind of video on this channel. You're gonna witness a life of an MBBS intern and the MBBS student. तो बेसिकली जब आप इंटर्नशिप में होते हो तो आपका जो टाइमिंग होता है पहुंचने का वो डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टेड हो। जैसे अभी मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ। अगर आपकी इमरजेंसी में पोस्टिंग है तो यू हैव टू रीच बाय 9 AM, बट अगर आप वार्ड में पोस्टेड हैं then you have to reach by 9:30 AM. So my day starts with 2 theory classes starting from 8:30 AM. पिछली वीडियो से ही ले लेना, ठीक है? वो वाली वीडियो फिर से देखो, व्यूज बढ़ाओ और नंबर लो और व्हाट्सएप पे कॉल मत करना। आज क्लास है, एचडी ने लिखी है, लेकिन अपनी सर्जरी छोड़कर सर्जरी में बात करने को क्लास में जा रहे हैं। हां, अपनी बात छोटा मेरी भी देखने आ गया। कट पे जा रहे हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही तुम पे काम मिलते रहते हैं। कभी तुम्हें कहीं जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है। जैसे इस टाइम पर एक पेशेंट को इमरजेंसी ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मुझे खुद ब्लड लेकर जाना पड़ेगा, उस पेशेंट को चढ़ाना पड़ेगा। तो क्लास ख़त्म होने के बाद और क्लिनिक्स जाने के बीच हमारे पास होता है थोड़ा सा टाइम, 1 से 2 घंटे का, जिसमें हम लोग या तो पढ़ सकते हैं या फिर कहीं ब्रेकफास्ट करने भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार सुबह क्लास होती है तो हमारा ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। तो हम ब्रेकफास्ट अभी करते हैं। बहुत टाइम हमारे पास क्लासेस बंक करने का ऑप्शन होता है, बट अगर हमारी अटेंडेंस ठीक है, मतलब 75 से 80% तक है, तभी हम बंक करने का सोचते हैं। अदरवाइज़ फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू क्लासेस लगानी ही होती है। We cannot bunk the postings because आपकी जगह जब तक कोई और दूसरा नहीं आएगा आप वहाँ से जा भी नहीं सकते। जब मेडिकल कॉलेज में था तब उस चीज़ की अहमियत पता नहीं चली, लेकिन आज रियलाइज़ होता है कि मेडिकल कॉलेज वाली लाइफ कितनी चिल थी। यहाँ तो ब्रेक लेने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन जब मेडिकल स्टूडेंट था तो जब मन किया तब कॉलेज चला गया, जब नहीं मन किया तो नहीं गया। 75% अटेंडेंस पूरी करनी होती थी बस यार। हम बीच बीच में थोड़े बहुत ब्रेक मिलते रहते हैं। जब पेशेंट लोड नहीं होता है तो तुम ब्रेक्स ले सकते हो और तुम चिल कर सकते हो, टी ब्रेक्स ले सकते हो थोड़ी देर के लिए बाहर। इफ़ यू वांट समथिंग टू डू यू कैन डू इट इफ़ यू वांट। अगर जब तक पेशेंट लोड है तब तक तो कुछ नहीं कर सकते, सबसे पहले पेशेंट लोड कम करना होता है। इफ़ योर मिशन इज़ नीट 2022 एंड यू वांट एक्सेस टू अनलिमिटेड कंटेंट टू बूस्ट योर नीट यूजी प्रिपरेशन, येस यू कैन गेट इट। यू कैन पार्टिसिपेट इन नीट चैम्पियनशिप स्कॉलरशिप टेस्ट एंड यू कैन गेट स्कॉलरशिप अप टू 100% on Unacademy for 6 months. So the starting 1 to 3rd rank will get this 100% scholarship, and next 4 to 10th rank will get 75% of scholarship, and so on. So what are you waiting for? Participate in this test, which is free of cost, and this is today at 12 PM to 1 PM. So don't miss this chance. You can also check your preparation by Unacademy Masters previous year questions, in which you can get 15 years topic wise test, and you can also check your preparation, and you can also check your All India rank. So check out this feature of Unacademy also. Ummeed Fir Se batch and All Star batch for NEET 2022 are starting from 4th of April, and Envision batch for Target 2023 and Fast Track batch for NEET 2022 is starting on 6th of April. You can go for Unacademy NEET UG Lite subscription, in which you get 3-month subscription with 1-month extension for ₹499 only. All the price will hike after 4th of April, so it is the best time. You can also get NEET UG Plus subscription for 3 months with 1-month extension, and this offer is also valid to 1st to 7th of April. So don't forget to participate in this scholarship test. You can enroll now by the link given in the description below, and don't forget it is at 12 AM to 1 PM. So go now. Now I am heading to my clinics, which is in ortho department. So let's see what happens there. तो तो जो हमारे क्लिनिक्स होते हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं और जो बाकी की थ्योरी क्लासेस होती है वो कॉलेज में होती है। तो हमें कॉलेज से हॉस्पिटल, फिर वापस हॉस्पिटल से कॉलेज और कभी कभी वापस फिर हॉस्पिटल। तो क्लिनिक्स में हमारा प्राइमरी रोल होता है हिस्ट्री लेना सीखना, क्योंकि हिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रीचिंग टू द डायग्नोसिस। इंटर्नशिप में तुम क्लिनिकल चीज़ें सीखते हो, उनको कोरिलेट करते हो और डायग्नोसिस बनाना भी सीख जाते हो। इंटर्नशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि तुम्हें पेशेंट से डील करने को मिलता है और तुम डायरेक्टली उनको हेल्प करते हो। अब आ गए हो यहाँ, तो अब चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे, परेशान मत हो। बाकी इसके अलावा पूरी इंटर्नशिप में बस फॉर्म भरते रहना है, कभी अल्ट्रासाउंड का, कभी सीटी का, कभी एक्सरे फॉर्म, कभी एमआरआई का फॉर्म, और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर्म और उसके बाद सैंपल्स विड्रॉ करना। और अगर कैजुअलिटी में पोस्टिंग लगती है तो तुम्हें एक्सीडेंटल केसेस को सूचरिंग करने को मिल जाती है, वुंड ड्रेसिंग मिल जाती है। और कोविड के दौरान सबसे इंटीग्रल पार्ट था इंटर्नशिप का, एक इंटर्न के लिए रेड टेस्ट करना हर उस पेशेंट का जो एडमिट होने वाला है। I just got free from my ortho postings. Now I'm heading to my next class, which is going to start at 2:30, and till now I'll do some lunch, I guess, with my friends and chill. So let's go. I have to wait for my friends because they are posted in different departments. I don't know how I am sharing this, but today I met a girl when I was coming back from my clinics, and she recognized me and I was so shocked, like how to react. I was so numb, what should I do? Told me that she want to get a selfie with me. I was like, seriously? And aur piche se seniors bhi aa rahe the, so I was like ki jaldi jaldi karo jo jo karna hai, kyunki I was feeling so shy at that time. So I was not able to meet her acche se. I even forget to ask her name. I'm really sorry for that. And I don't know when I'll know how to face these things. चाहे आपको कितनी भी भूख क्यों ना लग रही हो, लेकिन आप खाना तभी खा सकते हैं जब तक आप अपना पेंडिंग काम पूरा नहीं करें। अभी क्लासेस का सीन ऐसा है कि कभी कभी क्लासेस लग जाती है, तो आपका मन है, अगर आप फ्री है और ड्यूटी आवर्स नहीं है आपके, तो आप क्लासेस लगा सकते हैं। नाउ हेडिंग टू माई नेक्स्ट थ्योरी क्लास विच इज़ एट 2:30, एंड आफ्टर दैट अगेन अ थ्योरी क्लास एट 3:30, एंड आई विल गेट फ्री एट 4:30 PM.